आज हम इंशाल्लाह देखेंगे ये जो एक्चुअली हम वेरिएबल्स को या डेटा मेंबर जो मेंबर डेटा था हमारे पास एक क्लास में उसको अगर हम प्राइवेट अभी तक रख रहे हैं ठीक है, अब हम देखेंगे अगर उसको हम पब्लिक रखते हैं तो क्या इशू आता है हमें, या पब्लिक हम नहीं रख सकते, या अगर रख सकते हैं तो अगर क्या इशू है, क्यों हम उसको प्राइवेट ही रखते हैं ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे अपना एक क्लास, सपोज विल स्टार्ट अ क्लास, हम इसको सम नाम रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं ठीक है, वैलिड नाम जैसे हम रख सकते हैं, सम रखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे पब्लिक ही सारा रखेंगे इंट, नम वन और इंट नम टू ठीक है। तो क्या किया हमने, हमने इसको एक्चुअली यहाँ पे पब्लिक रखा, इन दोनों को हमने पब्लिक, अभी तक हम इनको प्राइवेट रखे, बाय डिफॉल्ट हम आइडेंटिफायर देते ही नहीं थे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहते थे, लेकिन अब हमने पहले ही पब्लिक कर दिया, यानी इससे नीचे जो भी चीजें आएंगी वो पब्लिक ही है। तो हमने यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स फिलहाल के लिए लेंगे, रिजल्ट भी देंगे फिलहाल, then we will use a set function to set the values of the two another function is get, हम यहाँ पे सी इन करेंगे, इनका वैल्यू हमें लेना है सी इन नम वन एंड सी इन नम टू। एक और फंक्शन करेंगे गेट, यानी जैसे हम इसका वैल्यू निकाल सके कि इनका सम क्या हुआ ठीक है, तो हम रिजल्ट में सी आउट हमारे पास रिजल्ट ठीक है। तो जैसा हम करते आ रहे हैं इसे बिल्कुल सेव करते हैं, सपोज को सेव करते हैं इसको, हमने सेव किया है, हमारे पास एक क्लास जो है तैयार हो गया, क्लास खाली क्लास अभी तक हमने बनाया है, अभी मेन वाली फंक्शन नहीं बनाई, तो हमने क्लास सिंपल जैसे हम बनाते थे इसका नाम सम रखा। तो अब अभी हम क्या करते थे, पहले हम जो ये डेटा हम लिखते थे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज या मेंबर डेटा मेंबर्स इनको बोलते हैं, तो डेटा मेंबर्स हम अभी तक प्राइवेट रखते थे, तो आज हम ये देखेंगे अगर हम इसको पब्लिक रखते हैं तो क्या हो जाता। तो हमने इसको पब्लिक रखा ओके, देन वी हैड टू फंक्शन, सेटर फंक्शन टू सेट द वैल्यूज ठीक है, जिससे हम इनपुट करेंगे इन दो का वैल्यू, एंड द गेटर फंक्शन गेट तो रिजल्ट शो करने के लिए। सिंपल हमारा क्लास यहाँ पे खत्म हो जाता है, हम अपनी मेन वाली फंक्शन में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं कि हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सम का, तो उस सम का मैं ऑब्जेक्ट बनाने ओबीजे नाम रखता हूँ उसका, मैं कुछ भी नाम रखता हूँ ओबीजे, देन वी विल डू जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे ओबीजे डॉट सेट, ताकि इनका वैल्यू सेट हो जाए, एंड ओबीजे डॉट गेट ताकि इनका वैल्यू हमें रिटर्न सम मिले। तो इसको हम जो ही एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, हम आप इंटर टू वैल्यूज सपोज 23 एंड 20 ठीक है, एंड 23 एंड 20 इज 43, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड वेल, जैसा हम इससे पहले कर पा रहे थे वैसा ही किया, लेकिन अब मसला है
फिर क्या हुआ, फिर क्या फर्क है अगर हम यहाँ पे ये तीन प्राइवेट इससे पहले रखते थे, ये फंक्शन और पब्लिक रखते थे, अब फर्क क्या हो रहा है, क्या फर्क है यहाँ पे ये पब्लिक रखने में। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट से इन फंक्शन को कॉल किया, ऑब्वियसली कर पाते हैं क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज भी कर सकता हूँ। वो क्या चीज है देखो, ओबीजे डॉट नम वन में मैं कुछ डालूंगा, नम वन इज इक्वल टू 36। नंबर वन में मैंने 36 वैल्यू दिया, ओबीजे डॉट नम टू इज इक्वल टू सपोज 4, देन द रिजल्ट विल बी 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 ऑब्वियसली। तो मैं करूंगा ओबीजे डॉट गेट, रिजल्ट मुझे दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, कंपाइल एंड रन। ये कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, इसमें मुझे दो नंबर्स मांगे, मैं पहले वन देता हूँ, फिर टू, वन 12 देता हूँ, फिर इसको और 10 देता हूँ, तो ये मुझे बताएगा सम इज इक्वल टू 22। यहाँ पे सम मुझे बता रहा है, ये वाला सम मुझे बोल रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज है, ये वाला सम मुझे बोल रहा है जो मैंने ये गेट किया था। ठीक है, पहले ये फिर से फंक्शन चली, मेन वाली फंक्शन, फिर ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हुआ, सेट फंक्शन फंक्शन को पहले कॉल हुई। सेट फंक्शन को कॉल होने का मतलब है पहले इसने मुझे मुझसे मांगे दो नंबर दे दो, मैंने दो नंबर इसको दे दिए, एक एक 12 और एक 10। ठीक है, अब वो 12 और 10 का सम तो आता है 22, और मैंने गेट फंक्शन को कॉल किया, यानी मुझे इनका एड निकाल के दो, तो मुझे 22 निकला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपनी मेन वाली फंक्शन में हूं, मैंने ऑब्जेक्ट से इस नम वन को कॉल किया और उसको वैल्यू दिया 36, और ऑब्जेक्ट को नम टू को भी कॉल किया, उसको वैल्यू दिया 40, एंड फिर इस गेट फंक्शन को फिर से कॉल किया, उसने मुझे सम का वैल्यू निकाल के दिया 40। ओके, दिस इज ऑल गुड गोइंग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब इसमें, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आपको याद होगा इससे पहले, या अगर मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पब्लिक हटा के यहाँ पे पब्लिक कर दूं, यानी ये मेंबर फिर से प्राइवेट कर दो, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूं, देखो ये मुझे एग्जीक्यूट ही करने नहीं देगा, यहाँ पे ये मुझे बोलेगा आप जो एक कॉल कर रहे हो इनको, यानी नम वन और नम टू को यूज कर रहे हो, वो तो है ही नहीं, वो तो यहाँ पे कुछ और है, वो तो प्राइवेट है, आप तो इनको एक्सेस ही नहीं कर सकोगे, यानी नम वन और नम टू अब प्राइवेट है, अब मैं इनको कॉल नहीं कर सकता। इससे पहले जैसे मैंने ये छोटी सी एक चीज की थी, मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको पब्लिक किया था, जब मैं इसको पब्लिक कर पाता हूँ तो मैं इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पाता हूँ। जैसे मैं यहाँ इसको मैंने इनके वैल्यूज मैंने चेंज किए, इनके वैल्यूज मैंने चेंज किए, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होने चाहिए थे। अब ऐसे करते हैं, हम एक सिंपल सा, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, हम यहाँ पे एक लिखते हैं सी आउट, आई एम इन क्लास सम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको सी आउट, आई एम इन मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में है, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिखता हूँ आई एम अगेन। अब यहाँ पे ध्यान तो थोड़ा सा, मैंने क्या किया, मैंने फिर से वही जैसे हमने किया था पब्लिक में ये सारी जो चीजें हैं पब्लिक कर दी, यानी ये डेटा मेंबर जो है पब्लिक कर दी, लेकिन जो ही मैं सेट वैल्यू कर रहा हूँ, मैंने उस पर एक स्ट्रिंग, एक पुट आउटपुट एक लिखा, सिंपल सा आउटपुट, आई एम इन क्लास सम, यानी मैं अभी का ये जो कोड रन हो रहा है मैं सम वाले क्लास में हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सम क्लास का जो है एक
मेंबर है, एक मेंबर फंक्शन है, उसकी एक फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे ध्यान रहे थोड़ा सा कि मैं अभी किस कहाँ पे हूँ, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर मैं जब मेन वाला फंक्शन रन हो रहा है, मेरा पहला प्रोग्राम रन हो रहा है पहले, तो मैं पहले आउटपुट एक दिखा रहा हूँ कि मैं अपने मेन फंक्शन में हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फिर सेट करता हूँ वैल्यूज, ठीक। फिर मैं वापस आके इसको बोलता हूँ, मैं गेट नहीं कर रहा हूँ वैल्यूज, मैं वापस आके इसको बोल रहा हूँ कि अब मैं फिर से अपनी मेन वाली फंक्शन में हूँ, ठीक है। मेन वाली फंक्शन में यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने इन दो नम वन और नम टू का वैल्यू चेंज किया है, पहले का 36 रखा, दूसरे का 4 रखा, ठीक है। फिर मैंने गेट फंक्शन को कॉल किया, थोड़ा सा ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं। देखो, आई एम इन मेन फंक्शन, यानी पहले जब रन होगा तो ऑब्वियसली मेन फंक्शन से रन होगा, तो इसने ये वाला आउटपुट दिखाया, यानी आई एम इन मेन फंक्शन, ये क्लियर हो गया। फिर ये ऑब्वियसली जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट, जब ऑब्जेक्ट डॉट सेट को कॉल हुआ, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि ये हमें समझ आ जाए, इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहले हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ मेन फंक्शन से रन होता है, मेन फंक्शन में मैंने पहले एक आउटपुट लिखा, आई एम इन मेन फंक्शन, यानी ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होके यहाँ आ गई, आई एम इन मेन फंक्शन, ठीक। ये हो गई लाइन एग्जीक्यूट, हमें समझ आया ये। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाला जो कोड है, ऑब्जेक्ट सम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओबीजे, ठीक। फिर ओबीजे डॉट सेट सेट, यानी ओबीजे से इस सेट वाली फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस वाली फंक्शन को कॉल की मैंने। अब इस वाली फंक्शन में क्या हो रहा है, ये मुझे पहले आउटपुट, पहले एक मैसेज दे रहा है कि आई एम इन क्लास सम, यानी मैं सम वाले क्लास में हूँ, मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स, ये मुझे दो वैल्यू नंबर्स के वैल्यू मांग रहा है, मैं इसको दो वैल्यूज दूंगा, ठीक है। मैं इसको दो वैल्यूज दूंगा, सपोज वन इज, एक वैल्यू में 10 देता हूँ और दूसरा वैल्यू में देता हूँ 20, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने 10 और 20 दे दिए, यानी दो नंबर्स मैंने दे दिए, एक 10, ये वाला 10, और एक 20, ये 20, ठीक है। अब इसका मतलब मेरा रिजल्ट जो आना चाहिए वो 10 प्लस 20, यानी मैंने दो नंबर जो दिए, एक 10 दिया दूसरा 20, मेरा रिजल्ट जो आना चाहिए वो 10 प्लस 20 30 आना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये मुझे बोल रहा है आई एम अगेन इन मेन फंक्शन, मैं फिर से मेन फंक्शन में आ गया, क्यों, क्योंकि सेट को कॉल करने के बाद मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे मेन में, आई एम अगेन इन मेन फंक्शन, मैं फिर से मेन फंक्शन में वापस आ गया, यानी मैं यहाँ से अब यहाँ हूँ, ठीक है। ये इसने मैसेज दे दी, ठीक, ओके, गुड। इससे पहले हमने जो वैल्यूज दिए थे, हमने वैल्यूज क्या दिए थे, हमने वैल्यूज दिए थे 10 और 20, 10 और 20 का जब एडिशन होना चाहिए वो हमें निकलना चाहिए 30, लेकिन ये यहाँ पे मुझे बोल रहा है सम इज इक्वल टू 40। अब ये सम 40 हो गया, जो हमने वैल्यूज दिए थे ये तो अलग ही हो गए, वो तो है ही नहीं। ये इसलिए हुए क्योंकि हमने अपनी मेन फंक्शन में इससे पहले, ये गेट करने से पहले, वैल्यू निकालने से पहले हमने दो चीजें की थी, नम वन का वैल्यू 36 किया था और नम टू का वैल्यू 4 किया था, जबकि प्रोग्राम में हमने एंटर किया था नम वन का वैल्यू 10 और नम टू का वैल्यू मैंने किया था 20। लेकिन इसने क्या किया, क्योंकि हमने नम इसका एक हार्ड कोड यहाँ पे कर दिया है, हार्ड कोड का मतलब जो सीधे कोड किए हम यूजर से नहीं लिया, हमने यूजर से नहीं लिया है, ये सीधे हमने इनका दो वैल्यूज दे दिए हैं 36 एंड 4, और ये इसका वैल्यू जो है नम वन और नम टू का वैल्यू 36 और 4 रह गया, ना कि 10 और 20 जो हमने दिए थे। तो इससे क्या हो जाता है, इन वाली चीजों से एक इशू बनता है हमें कि हमें आउटसाइड द क्लास जो है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा करता हूँ। अब देखो, आउटसाइड द क्लास ये जो दो चीजें मैंने लिखी, ऑब्जेक्ट वन से नम वन और नम टू को मैंने चेंज किए, ये आउटसाइड द क्लास हो गए, जबकि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यही मकसद है कि आउटसाइड द क्लास डेटा मेंबर्स में कुछ नहीं होना चाहिए। डेटा मेंबर्स में अगर कोई काम होगा तो इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास कैसे होगा? इनसाइड द क्लास हम फंक्शनल लिखते हैं। अब देखो फंक्शन को हम खाली कॉल कर सकते हैं। जब भी कोई फंक्शन है, जैसे इन्हें सेट को कॉल किया ऑब्जेक्ट ने गेट को कॉल किया। अब सेट और गेट को कॉल करने का मतलब ये नहीं कि हम उसमें कोई चेंज कर पाते हैं। सेट और गेट का मतलब, कॉल का मतलब हम उनको बस यूज करते हैं। तो अगर मैं जब भी मैं अगर मैं इनको प्राइवेट रखता, अगर मैं ये चीज हटा के यहाँ पे कर देता हूँ, यानी पब्लिक अपनी फंक्शंस खाली बनाता हूँ। पब्लिक फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर फंक्शनल भी प्राइवेट बनाऊं मैं, अगर मैं फंक्शनल भी प्राइवेट बनाऊं, ऑब्वियसली ऐसे में सारा हटा दूं, ये पब्लिक कुछ ना रखूं, ये दो फंक्शनल भी मैं प्राइवेट ही रखूंगा, फिर मुझे यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये तो मुझे बोलेगा आप कुछ रन ही नहीं कर सकोगे क्योंकि ये सारा प्राइवेट है। और इसने मुझे यहाँ पे बोला विद इन द कॉन्टेक्स्ट सम इज प्राइवेट, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ये जो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, ये जो भी आप यूज करना चाहते हो, योर सम गेट इज प्राइवेट, ये सारी चीजें प्राइवेट है, आप इन चीजों को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से, क्योंकि हमें एक्सेस तो करना ही है, अब अगर हमें एक्सेस करना है, इसका मतलब हमें क्या करना होता है, हम फंक्शंस को पब्लिक रखते हैं। फंक्शंस को पब्लिक रखने से एक फायदा है, एक तो हम फंक्शंस को यूज कर पाते हैं, सेकंड चीज ये है कि फंक्शन जब यूज होती है उनमें हम चेंजेस नहीं करते। जब फंक्शन को हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सपोज आपने एक आप सारे बच्चे क्या कर रहे हो, एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई अब कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहा है, कोई सम ऑफ टू नंबर एडिशन का प्रोग्राम लिख रहा है, उसने एडिशन का एक क्लास बनाया। अब दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा उसको वो बोले कि दूसरे बंदे को ये मेरा क्लास है, इसका नाम है सम, आप सम की ऑब्जेक्ट बना के गेट सम निकाल सकते हो। तो वो क्या करेगा, वो जो भी बंदा होगा वो ऐसा करेगा, अपने कोड में किसी भी जगह उसे सम ऑफ टू नंबर्स निकालना हो, वो सम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो भी नाम रखे ऑब्जेक्ट, और फिर उस ऑब्जेक्ट से गेट सम, सपोज ने गेट सम एक फंक्शन बनाई है, गेट सम को कॉल कर सकता है। अब जो गेट सम को कॉल करता है, इसका मतलब क्लियर है कि वो गेट सम फंक्शन को कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसमें क्या है, कुछ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन वो तभी चेंज नहीं कर सकता जब ये चीजें प्राइवेट हो, अगर ये चीजें पब्लिक होंगी तो वो इसको चेंज कर सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कोड को कोई छेड़े विद इन, क्योंकि अगर एक बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, अगर एक ही कोड को दो बंदों ने चेंजेस किए तो पता नहीं चलेगा किसने क्या चेंजेस किए, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोड जो है आखिर में इसमें एरर्स आ जाए। तो इससे एक अलग मॉड्यूलरिटी भी रहती है, एक क्लास एक बनाएगा, दूसरा क्लास दूसरा बनाएगा, और आपस में वो क्लास वाली फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम अगर देखते हैं, देखो मैंने इसको इनको प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं, इनको प्राइवेट बना दिया, फंक्शन को पब्लिक बना दिया, और यहाँ से जो चीजें सारी चीजें हैं वो हटा दी। हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाता है, अच्छी तरह से रन हो जाए। पहले बोलेगा आई एम इन मेन फंक्शन, क्योंकि पहले मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, फिर आई एम इन क्लास सम, फिर क्लास में चला गया, फिर दो नंबर हमसे मांग रहा है, सपोज 10 एंड 20 हम देंगे, तो फिर बोलेगा आई एम अगेन इन सम, में सम में वापस आ गया, फिर सम को कॉल करेगा और देगा वैल्यू 30। 10 और 20 हमने दिए थे तो हमें जो इसमें वैल्यू मिला था, जो वैल्यू हमें मिलना चाहिए भी, वो 30 है। ठीक, तो ये एक सिंपल तरीका है, या सिंपल एक